वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 मसालों का घर केरल यानी केरला। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। तो इस पाठ में केरल के प्राकृतिक सौंदर्य, व्यवसाय, खानपान, त्योहार तथा केरल वासियों के परिश्रमी स्वभाव के बारे में बताया गया है। तो पाठ किसके बारे में है? केरल के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, केरल के व्यवसाय के बारे में, केरल के लोगों के खान पान, उनके त्योहार और उनकी परिश्रमी स्वभाव के बारे में बताया गया है। अब देखेंगे पाठ का उद्देश्य। तो पाठ का उद्देश्य है प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षण का भाव जागृत करना तथा परिश्रम से अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की भावना का विकास करना। तो ये पाठ किस उद्देश्य से यहाँ पे रखा गया है कि हमारे अंदर प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आकर्षण पैदा हो और उसके साथ साथ परिश्रम से हम अपने भी प्रदेश को आगे बढ़ाने की भावना हमारे अंदर विकसित हो। ओके, तो ये उद्देश्य से ये पाठ को यहाँ पे रखा गया है। अब हम देखेंगे हमारे पाठ को। पाठ के अंदर दिया गया है केरल का सुंदर चित्र जिसके अंदर नारियल के पेड़ है और नीचे पानी के अंदर उसकी परछाई दिख रही है। जब भी छुट्टियां आती और घूमने जाने का अवसर मिलता, मैं मन ही मन केरल की सुंदरता को अपने आंखों से देखने का कार्यक्रम बनाती। यानी ये बात कौन शुरू करता है? ये कहानी लिखने वाली राइटर जो अपने बारे में बताती है कि जब भी छुट्टी मिलती है तभी घूमने जाने का अवसर मिलता। अवसर का अर्थ होता है मौका। यानी जब भी छुट्टियों में घूमने जाने का मौका मिलता तो मैं मन ही मन केरल की जो सुंदरता है उसको अपने आंखों से देखने का कार्यक्रम बना लेती। यानी केरल जाके केरल की सुंदरता को अपनी आंखों से देखने का कार्यक्रम में बनाती, पर हर बार किसी न किसी कारण वहां पर जा पाना संभव नहीं हो पाता। लेखिका क्या बताती है कि जब भी मुझे छुट्टी मिलती मैं तुरंत ही केरल जाने का प्रोग्राम बनाती, परंतु किसी न किसी कारण वो प्रोग्राम सक्सेस हो पाता नहीं, संभव हो पाता नहीं था। बहुत इंतजार के बाद पिछली छुट्टियों में मुझे केरल जाने का अवसर मिला। यानी बहुत टाइम तक उन्होंने प्रोग्राम बनाया पर कोई भी प्रोग्राम उनका सफल हुआ नहीं। इस बार बहुत इंतजार के बाद उनको पिछली छुट्टियों में केरल जाने का अवसर मिला। यानी अब जब ये कहानी लिख रही है तब वो केरल जाके आई है, तो लगा जैसे कोई सपना साकार हो गया। जब वो केरल घूम के आई तब उनको कैसा लगा? कि जैसे कोई सपना साकार हो गया हो। सपना साकार होना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सपना सच होना। केरल भारत का एक खूबसूरत प्रांत है। अब वो लेखिका हमें केरल के बारे में माहिती देती है कि केरल कैसी जगह है। तो केरल भारत का एक खूबसूरत प्रांत है। प्रांत का अर्थ होता है राज्य। ओके, स्टेट। तो एक खूबसूरत भारत का स्टेट है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। उसकी राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। और मुख्य भाषा मलयालम है। और वहाँ की केरला की मुख्य भाषा कौन सी है? मलयालम है। केरल की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है। यहाँ पे संस्कृति का अर्थ होता है आचार विचार, रीत रिवाज, कला, साहित्य आदि का सामूहिक नाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कल्चर। यानी केरल ऐसे कल्चर, केरल का कल्चर हजारों वर्ष पुराना है। वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की कला साहित्य, वहाँ के आचार विचार, वो सब हजारों वर्ष पुराने हैं। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण केरल विश्व भर में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। और क्या बताया है कि केरल अपने प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति की सुंदरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, यानी अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण केरल पूरे विश्व में पर्यटकों के लिए, पर्यटक यानी किसी राज्य या देश में जाकर घूमने वाले लोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजिटर,
यानी ऐसे विजिटर्स के लिए वो आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण या इसका अर्थ होता है किसी स्थान या फिर किसी वस्तु का दूसरे स्थान पर खींचे जाना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में अट्रैक्शन। यानी केरल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण विश्व भर के घूमने वाले लोगों के लिए अट्रैक्शन का, आकर्षण का केंद्र है। भरपूर वर्षा, सुंदर प्रकृति, जल की प्रचुरता, सघन वन, लंबे समुद्र तट और नदियां इसके प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी कहते हैं। उसकी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया है कि कौन कौन सी प्राकृतिक सुंदरताएं हैं। तो वहां पे भरपूर वर्षा है, यानी वहां पे बहुत बारिश होती है। सुंदर प्रकृति है, वहां की प्रकृति कैसी है, एकदम सुंदर है। जल की प्रचुरता है, यानी बहुत सारा पानी है। सघन वन है, यानी घने जंगल है। लंबे समुद्र तट, यानी वहां पे समुद्र का किनारे, लंबे लंबे समुद्र के किनारे है। और नदियां, यानी वहां पे बहुत सारी नदियां है जो उसकी प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी बताते हैं। यानी ये सब चीजों को पता चलता है कि वहां पे प्रकृति का सौंदर्य कितना ज्यादा है। दूर दूर तक फैली समुद्र की लहरें और किनारे पर हवा के झोंकों से हिलते नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ यात्रा की सारी थकान को पल भर में ही दूर कर देते हैं। केरल कैसा है, बहुत दूर जगह वाला प्लेस है, तो जब वहां पे घूमने के लिए जाते हैं तो बहुत थक जाते हैं, पर वहां पे जाते ही हमारी थकान पल भर के लिए दूर हो जाती है। क्या देखकर? वहां पर दूर दूर तक फैले हुए समुद्र के लहरें, वहां पे समुद्र की लहरें देखकर, और वहां पे जो समुद्र के किनारे किनारे जो नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो पेड़ों को हिलते देखकर सारी थकान, सारी यात्रा की थकान दूर हो जाती है। और आगे बताया है, केरल वासियों का प्रमुख व्यवसाय खेती और मछली पालन है। यानी केरल के लोग ज्यादातर कौन सा काम करते हैं, कौन से व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? खेती से और मछली पालन से, ओके, यानी एग्रीकल्चर और फिशिंग से। तथा प्रमुख भोजन चावल और मछली है, ओके। उनका प्रमुख भोजन यानी मेन खाना उनका कौन सा है? राइस और फिश, यानी चावल और मछली। इसके अतिरिक्त यहाँ डोसा, इडली, सांबर, उपमा, उत्तपम आदि पौष्टिक भोजन भी खाया जाता है। उनका मुख्य भोजन मछली और चावल है, परंतु साथ साथ में यहाँ पे और क्या मिलता है? डोसा, इडली, सांबर, उपमा, उत्तपम आदि पौष्टिक भोजन। पौष्टिक का अर्थ होता है शरीर को पुष्ट करने वाले, न्यूट्रिशियल, ऐसे भोजन भी यहाँ पे खाए जाते हैं। आपसी प्रेम और सामाजिक मेल मिलाप को बढ़ाने वाले अनेक त्योहार केरल में मनाए जाते हैं। यानी केरल में बहुत सारे ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिससे आपस में प्रेम बढ़े और सामाजिक मेल मिलाप बढ़े। जैसे कि नवरात्रि, दीपावली, शिवरात्रि, तिरुवातिरा आदि, यानी ऐसे त्योहार वहां पे मनाए जाते हैं। किंतु ओणम केरल का राज्योत्सव है। ओणम कैसा त्योहार है? राज्य का त्योहार है, ओके, स्टेट फेस्टिवल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टेट फेस्टिवल। ये सारे त्योहार तो सेलिब्रेट होते हैं, मनाए जाते हैं, परंतु उन सब में से ओणम है वो राज्य का राज्योत्सव है, यानी स्टेट फेस्टिवल है। इस अवसर पर केरल का सौंदर्य और लोगों का उत्साह देखने योग्य होता है। यानी जब ओणम का फेस्टिवल आता है तब केरल की सुंदरता और बढ़ जाती है और उनका, वहां के लोगों का उत्साह देखने योग्य होता है। ओणम पर्व अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के आरंभ में धूमधाम से मनाया जाता है। यानी ओणम फेस्टिवल कब आता है? तो अगस्त का, यानी अगस्त मंथ आठवां मंथ चल रहा होता है, उसका अंतिम वीक यानी लास्ट वीक आता है, अंतिम सप्ताह आता है तब होता है, या फिर सितंबर का आरंभ में। सितंबर यानी सितंबर मंथ का आरंभ यानी शुरुआती जो वीक आता है उसके अंदर ये त्योहार आता है।
इस अवसर पर घरों की साफ सफाई करके उन्हें रंगोली से सजाया जाता है। ये फेस्टिवल में क्या करते हैं, तो सबसे पहले घर की साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई के बाद घरों में रंगोली की जाती है। रंगोली का अर्थ होता है धरती पर रंगों और फूलों से बनाई गई आकृति, उसको कहते हैं रंगोली। इस पर्व पर नौका दौड़ का आयोजन विशेष रूप से दर्शनीय होता है। और इस त्योहार के अंदर क्या किया जाता है, नौका दौड़ यानी नौका की दौड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं बोट रेस, यानी बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है जो सबसे देखने लायक होता है, विशेष रूप से दर्शनीय होता है। नव वर्ष आरंभ होने पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, यानी ओणम फेस्टिवल क्या है, वहाँ का न्यू ईयर है, तो नव वर्ष आरंभ होने पर सब एक दूसरे को शुभकामनाएं, यानी किसी का कल्याण या मंगल होने के लिए की जाने वाली इच्छा जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुड विशेष, तो एक दूसरे को ऐसी गुड विशेष देते हैं। और मंदिरों में कथकली नृत्य होता है और ये त्योहार के अंदर मंदिरों में उनका फोक डांस कथकली वहाँ पे मंदिरों में होता है। ओके, तो यहाँ तक हम ये वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केरल के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।